फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी आपके YouTube चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स यानी कि 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको YouTube की तरफ से क्या क्या मिलता है, क्या क्या आपको दिया जाता है आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेने के बाद। तो देखिए, पहली चीज़ तो यही है कि अगर आप 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेते हैं अपने चैनल पर, शुरुआत के 100 सब्सक्राइबर्स आप अपने चैनल पर बिल्कुल एक्टिव लेकर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये 100 सब्सक्राइबर्स ही आपके चैनल की ग्रोथ रेट डिसाइड कर देते हैं कि किस तरीके से आपका चैनल ग्रो करेगा, शुरुआत में क्या स्पीड रहेगी, सारी चीज़ें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि शुरुआत के जो 100 सब्सक्राइबर्स हम अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और हमारे वीडियोज़ से उनको मतलब हो कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं क्या नहीं, है ना। तो ये एक बात हो गई। लेकिन अब बात करते हैं कि YouTube की तरफ से हमको क्या मिलेगा अगर हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो मान लीजिए आपका एक चैनल है, वहाँ पे आपने कंप्लीट कर लिए 100 सब्सक्राइबर्स, तो ये जो 100 सब्सक्राइबर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके बाद YouTube की तरफ से आपको दिया जाता है कस्टम URL। कस्टम URL क्या होता है? देखिए, कस्टम URL का यही मतलब है कि आप अपने YouTube चैनल के लिए एक URL डिसाइड कर सकते हैं, URL बना सकते हैं। तो मान लीजिए आपका एक YouTube चैनल है और आपके चैनल का नाम है खेलो और खाओ, ये आपके चैनल का नाम है खेलो और खाओ। तो देखिए, अगर अब कभी भी आप पहले अपने चैनल को अगर शेयर करते थे किसी को, यानी कि अपने चैनल का लिंक शेयर कर रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियोस को देखो, इस तरीके से अगर पहले आप अपने चैनल का लिंक शेयर करते थे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, तो वहाँ पर जो आपके चैनल का लिंक था वो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके का बना हुआ आता था। वो जो लिंक आप शेयर करते थे वो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके का आता था। वो लिंक ऐसा होता था, जैसे लिखा होता था www.youtube.com/ और बहुत सारे अल्फाबेट्स, बहुत सारे नंबर और एक बड़ा सा URL आपको अपने चैनल के लिए देखने को मिलता था, जैसे आपका UKP0123 इस टाइप का URL बना हुआ आता था आपके चैनल के लिए। तो वो जो URL अगर आप किसी को भेजते थे और बोलते थे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो वो URL काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल लगता था और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था देखने में कि ये भाई क्या है, ये है ना, इतने सारे नंबर, इतने सारे अल्फाबेट्स और उसको याद करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो इसीलिए YouTube आपको सुविधा देता है कि 100 सब्सक्राइबर्स के बाद आप अपने चैनल का URL डिसाइड कर सकते हैं। तो URL में क्या होता है कि आपका चैनल का जो भी नाम है उसी नाम से आप अपने चैनल के लिए एक URL बना सकते हैं। वही मान लीजिए आपके चैनल का नाम है खेलो और खाओ, तो यहाँ पे आप खेलो और खाओ के नाम से एक URL बना सकते हैं। तो वो URL होगा www.youtube.com/खेलो और खाओ। तो यहाँ पे अगर आप किसी को भी भेजते हैं अपने चैनल का लिंक तो वहाँ पे आपका जो प्रोफेशनल आपका जो लिंक होगा वही सबके पास जाएगा, तो देखने में भी वो अच्छा लगेगा कि अच्छा इसका एकदम प्रोफेशनल सा लिंक है, है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है कि हम डिसाइड कर ले अपने चैनल के लिए कि हमारे चैनल का क्या नाम है और उसी नाम से हम अपना एक URL बना ले। तो ये पूरा खेल होता है URL का। तो ये URL आपको, जो ये URL आप क्लेम कर सकते हैं वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके चैनल पे शुरुआत के 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्लेम किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि अगर आपके चैनल का नाम कुछ यूनिक है, कुछ अलग है, कुछ ऐसा आपके चैनल का नाम है जो पहले से किसी दूसरे के चैनल का नाम नहीं है, तभी आप एक URL अपने चैनल के लिए ले सकते हैं। मान लीजिए आपके चैनल का नाम कुछ ऐसा है जो कि पहले से ही किसी दूसरे चैनल का नाम है, है ना, पहले से ही उस नाम का एक दूसरा चैनल है, तो हो सकता है कि वो जो पहले वाला चैनल है उसने उस नाम का URL ले लिया हो पहले से ही, तो आप वो URL नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि एकदम अलग नाम रखिए, एकदम यूनिक नाम रखिए ताकि आपको अपना URL मिल सके। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मेरा YT एग्जाम नाम था चैनल का, तो YT एग्जाम नाम से मेरे को URL नहीं मिल रहा था क्योंकि YT एग्जाम नाम से पहले ही एक चैनल था और उस पहले वाले चैनल ने ही YT एग्जाम नाम से अपना URL ले लिया था, तो मुझे नहीं मिला था YT एग्जाम नाम से URL क्योंकि YT एग्जाम नाम से पहले वाले चैनल ने ले लिया था। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आपका चैनल का नाम थोड़ा सा अलग हो ताकि आप अपना एक अलग URL डिजाइन कर सके और ले सके, YouTube से क्लेम कर सके, ठीक है ना। तो ये पूरा तरीका रहता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि अगर आपका कोई वैसा नाम है जो कि पहले से ही किसी दूसरे चैनल का है और अगर आपको कस्टम URL लेना है तो आप अपने चैनल का नाम ही बदल दीजिए, कुछ यूनिक सा नाम रख दीजिए, तो वहां पे आप कस्टम URL ले पाएंगे। तो इसको लेने का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कस्टम URL लेना है तो वही है, 100 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, इसके अलावा आपके पास चैनल आर्ट होना चाहिए, यानी कि चैनल का लोगो, बैनर वगैरह सब कुछ आपके पास लगा हुआ होना चाहिए, है ना। उसके बाद जाके आप लोग ये कस्टम URL क्लेम कर सकते हैं YouTube से। क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज़ शेयर कर देनी है अपने गूगल पे, शेयर नहीं मतलब सर्च कर देनी है अपने गूगल पे। क्या सर्च करना है वो मैं बताती हूँ। देखिए, आपको सर्च करना है ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये सेम टू सेम आपको अपने गूगल पे लिख देना है और इसको सर्च कर देना है।
जो आपका क्रोम ब्राउजर आप चलाते हैं उसमें आप लोग ये लिख दीजिए, कहीं पे भी लिख दीजिए, और ये लिख के आपको सर्च कर देना है। क्या लिखा है ये मैंने, www.youtube.com/features?nb=1। सेम टू सेम आपको वहीं पे चिपका देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या लिखना है। तो ये आपको लिख देना है और उसके बाद सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसा अभी मेरे पास इंटरफेस आ रहा है। ये जब आप सर्च करते हैं, ये वाला चीज़, बिना किसी स्पेस के, बिना किसी गैप के, ऐसा का ऐसा उतार देना है। सर्च करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि किस तरीके से आपको क्या क्या करना है। तो ये जो साइड में आप इंटरफेस देख रहे हैं, इसी में आपको एक कस्टम URL का भी ऑप्शन मिलता है, और वहां पर जाकर आप अपने URL को क्लेम कर सकते हैं। जो भी आप URL लेना चाहते हैं, जिस भी नाम से लेना चाहते हैं, वहां पर जाकर क्लेम कर दीजिए और आपको YouTube की तरफ से वो वाला URL मिल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा तरीका रहता है। अगर आप चाहते हैं तो ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए चैनल का नाम अलग होगा, तभी आपको URL मिलेगा। तो ये पूरा तरीका रहता है। ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पर आप बाकी सारी चीज़ें भी सर्च कर सकते हैं। आपको पता चल जाता है इस इंटरफेस में कि आपके पास कितनी कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक है या कितनी कॉपीराइट स्ट्राइक है। जैसे मेरे पास कोई भी स्ट्राइक नहीं है तो मेरे में 0 लिखा है। अगर आपके पास 2 या 3 स्ट्राइक है तो वहाँ लिखा रहेगा 1 या 2 या 3, जितने भी आपके पास है। तो वो सारी चीज़ें भी अपने चैनल पर अगर आपको चेक करनी हो तो ये सेम चीज़ आप डालेंगे तो सारी चीज़ें चेक कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। जैसे मेरे चैनल पर आप देखेंगे तो लिखा है पार्टनर वेरीफाइड। अगर आपका चैनल होगा वो मोनेटाइज नहीं है तो ऐसा नहीं लिखा हुआ होगा। मेरा मोनेटाइज है इसलिए लिखा हुआ है पार्टनर वेरीफाइड। तो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। एक अच्छा मैंने आपको ये बता दिया है, इसको सर्च करेंगे तो आपका ऐसा ही इंटरफेस आएगा। ठीक है ना। और ध्यान रखिए कि जब भी क्रोम ओपन करते हैं तो क्रोम में आपने साइन इन कर रखा हो उसी वाले जीमेल अकाउंट से जिससे आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। इसके अलावा कोई डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं, पायल सिंह इंस्टा मेरा यूजर नेम है, या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।